मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसे पहले वाले लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक हमारा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा, उसके अंदर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती, ध्यान आपको, हमारे पास था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर ऑल रियल नंबर। बेटे, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। तो बेटे, पहले क्वेश्चन का पहला ही जो पार्ट है वो देखो क्या है। बेटे, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि वाई इक्वल दे रखा हमें माइनस में 3। y इक्वल गिवन है -3। बेटे, इस -3 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में टर्न करें तो बेटा हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y प्लस 3 इक्वल में 0। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास y तो है, बट हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारे पास बताइए क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट इट एज 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल में 0। तो बेटा, ये हमारे पास देखो, ये इक्वेशन जो है वो देखो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हुई या नहीं, कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यहाँ बेटा हमारे पास ए क्या है, 0 है, हमारे पास बी यहाँ पे क्या है, 1 है, बेटा हमारे पास यहाँ पे सी क्या है, 3। ओके, ये किस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का ये पहला पार्ट था। उसके बाद बेटे, हम अगर सेकंड पार्ट करें आपके लिए, सेकंड पार्ट देखो हमारे पास ये है, 3x इक्वल गिवन है हमें 5। ठीक है बेटे, तो पहले इक्वल जो हमें 5 दे रखे उसको आप राइट साइड से लेफ्ट साइड टर्न करें, हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 5 इक्वल में 0 होगा। अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे केवल वाई वे एक्स वेरिएबल है, नहीं है, हमारे पास यहाँ पे वाई वेरिएबल नहीं है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या होती है बेटे, 0 होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या करना है, 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0, 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल 0। अगर आपसे पूछे कोई यहाँ पे कि बताओ यहाँ पे ए बी सी क्या है, तो बेटे यहाँ पे ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास क्या है 0, और हमारे पास बताओ बी सी यहाँ पे क्या है, माइनस 5। आपने विद साइन बोलना है, साइन चाहे प्लस है या फिर आपका साइन माइनस है। ओके, समझे बेटा। उसके बाद अगर एक पार्ट और करना चाहूँ आपके लिए मैं यहाँ पे, तो मेरे पास इसका एक थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट और कर देता हूँ मैं आपके लिए। किस और थर्ड पार्ट दे रखा है, 4y इक्वल दे रखा है माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ 11। ये हमारे पास का थर्ड पार्ट है बेटे, 4y इक्वल है माइनस में स्क्वेयर रूट ऑफ 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में रूट 11 जो है वो राइट साइड है, उसको आप पहले लेफ्ट साइड टर्न करो, हमें क्या मिलेगा, वी गेट 4y प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 11 इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, 0 होगा नहीं होगा। सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास y तो है, बट क्या हमारे पास यहाँ पे x है, हमारे पास यहाँ पे x नहीं है। मैंने बताया था कि जो वेरिएबल हमारे पास नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो कन्वर्ट करें, यहाँ में मिलेगा 0 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस में रूट 11 इक्वल बताओ क्या हो जाएगा बेटे, ये 0 बनेगा नहीं बनेगा। आपसे यहाँ पे कोई पूछे कि व्हाट आर ए बी एंड सी, सो ए इज 0, बी इज 4 एंड सी इज अंडर रूट 11, दैट इज स्क्वेयर रूट 11। ओके, ये क्वेश्चन के पहले पार्ट है। आपने अपने आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ और इसका सिक्स्थ पार्ट जो है वो अपने आप आपने सॉल्व करना है। इसका आपने फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट जो है इसका वो आपने सॉल्व करना है। मेरी बात समझे बेटा, ये सेम पार्ट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, उसके बाद बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आप तब तक देखिए, तब तक सुन रफ करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है बेटे, सेकंड पार्ट भी
पहले पार्ट की तरह ही है, सेकंड पार्ट जो इसका आई मीन सेकंड क्वेश्चन वो इसका पहले क्वेश्चन की तरह ही है, वो सोल्व हमें वैसे ही करना है। देखो कैसे करेंगे, इसका पहला पार्ट मैंने लिया कि फाइव इक्वल, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट कहते फाइव इक्वल है हमारे पास में सिक्स एक्स माइनस में सेवन वाई, फाइव इक्वल है सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई। अगर देखो बेटा मैं यहाँ पे इस फाइव को अगर मैं लेफ्ट साइड से अगर मैं राइट साइड ले जाऊं इस तरफ में, तो हमारे पास क्या बनेगा, बताइए बनेगा हमारे पास कि जीरो इक्वल में सिक्स एक्स माइनस में सेवन वाई, और फाइव का क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बनेगा नहीं बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी नंबर को इक्वल साइन के लेफ्ट या राइट चेंज करते हैं तो वहां पे अगर नंबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और अगर नंबर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो हो जाएगा डिवाइड के अंदर, और अगर नंबर डिवाइड में तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। तो बेटा हमारे पास इक्वेशन ये हो चुकी, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखिए ऐसे करके कि सिक्स एक्स माइनस में सेवन वाई माइनस फाइव इक्वल मेरे पास क्या हो जाएगा, बताइए जीरो हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये देखो हमारे पास ये फॉर्म बनी या नहीं बनी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल में जीरो। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे ये और पूछा गया बेटे साथ साथ है कि आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज भी निकालनी है, कि बताइए ए बी सी की वैल्यूज क्या होगी। तो आप निकालिए, ये बताओ हमारे पास कितना बेटे यहाँ पे, ए इज ए सिक्स, बी इज ए माइनस सेवन एंड सी इज ए माइनस फाइव। ए होता है बेटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद साइन, बी होता है बेटे कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद साइन, और सी होता है बेटे हमारे पास है कॉन्स्टेंट टर्म विद ए साइन। सो ए इक्वल सिक्स, बी इक्वल माइनस सेवन एंड सी इक्वल माइनस फाइव। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। ओके इसके बाद देखो और इसका पार्ट करते हैं 16 में, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है बेटे आप अपने आप सोल्व करना। मैं इसका एक थर्ड पार्ट सोल्व करता हूँ आपके लिए, देखो मैं इसका करता हूँ एक थर्ड पार्ट सोल्व। थर्ड पार्ट में है बेटा मेरे पास स्टेटमेंट है कि 2x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल हमें गिवन है 10, 2x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल हमें 10 गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है पहले। ओके उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम लेफ्ट साइड का लेते हैं एलसीएम, तो बेटा लेफ्ट साइड का एलसीएम लेना, बताओ हमें क्या इसका मिला, वी गेट 2x इसका अपॉन 1 मिल जाएगा। इसका बताओ हमारे पास में एलसीएम क्या होता है, 1 का और 3 का, एलसीएम इज 3। इसको सोल्व करें आप पहले पार्ट को, 3 को डिवाइड किया 1 से, वी गेट 3, और 3 टू जा कितना होता है बेटे 6 x माइनस 3 डिवाइड बाई 3 1 एंड 1 इंटू वाई क्या होता है बेटे वाई, इक्वल क्या हो जाएगा बताइए, 10 बनेगा नहीं बनेगा। अब आपने यहाँ करना है बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ मैं कर रहा हूँ हमारे पास में इसको मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये करना आपको आता है, 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप लेफ्ट साइड, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप कहाँ पे राइट साइड में, सब आज मल्टीप्लाई करना बेटे, वी गेट 6x माइनस वाई इक्वल क्या बनेगा 10, 3 जा 30 होगा नहीं होगा, देखो अब 30 इक्वल हो चुका है, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पहले क्वेश्चन की तरह ही, जो इक्वल में है उसको आप राइट साइड में से लेफ्ट साइड में चेंज कर लें। सो हमें क्या मिलेगा 6x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल में 0। ठीक है बेटे अब आप यहां से दोबारा से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, बताइए हमारे पास ए क्या है बेटे, ए इक्वल है 6 है, बी इक्वल माइनस है 1 एंड सी बताओ हमारे पास कितना है बच्चे माइनस का 30। ए इक्वल 6 है, बी इक्वल माइनस का 1 एंड सी इक्वल माइनस का 30, ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। ठीक है अगर बेटे मान लो किसी कृषि बुक के अंदर, ठीक है किसी बुक में मान लीजिए इसका आंसर को सोल्व नहीं कर रखा हो और आपका केवल पहले वाला पार्ट कर रखा हो, देखो यहीं से एक बार चेक करना बेटे, यहां से क्या पता आपका ये एलसीएम लेके आगे सोल्व ना कर रखा हो, तो फिर आपने जो स्टेटमेंट गिवन है वहीं से आपको ए बी और सी
पिकअप करने पड़ेंगे, आई मीन वहां से आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। देखो वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई अपॉन 3, 10 है यहाँ पे, इसको आप करोगे माइनस का 10, इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 बनेगा। सो आप बताओ, आप यहाँ देख के बताइए मुझे, यहाँ पे देख के आपके पास यहाँ पे a क्या है, b क्या है, और हमारे पास यहाँ बेटे c क्या है। ओके, a इज 2, b बताइए क्या है, माइनस 1 अपॉन 3, पता और बस कितना भाई, माइनस का 10। समझ पाए? तो आपका जो आंसर है या तो मिलेगा बुक में इस हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, या फिर आपका आंसर मिलेगा आपको इस अकॉर्डिंग। दोनों आंसर बेटे ठीक हैं, आपस में कंफ्यूजन मत करना। ये आपका पहले वाला आंसर मैंने लिया है एलिशियम लेके, सेकंड वाले आंसर में बेटे मैंने एलिशियम नहीं लिया, जो स्टेटमेंट थी मैंने उसका एज इट इज पार्ट इक्वेट कर लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोफिशेंट को कंपेयर कर लिया है। समझ पाए बेटा? ओके, उसके बाद जो इसके दो पार्ट हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो आप इटसेल्फ ट्राई करें। मैं आपको देखो नेक्स्ट पार्ट करवाता हूँ। देखो बेटा इसका इसका सेवंथ पार्ट देखिए बेटा एक बार, सेकंड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट, वो हमें गिवन है बेटे x प्लस वाई इक्वल दे रखा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटे इसका पहला सॉल्यूशन तो क्या है, जब हम इसको एलिशियम नहीं लेंगे तो सीधा क्या, इसको सीधा सॉल्व करें, वी हैव x प्लस वाई, इस 1 अपॉन रूट 3 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लिए बेटा, तो मत देखो हमारे पास ये बना नहीं बना। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पहले आंसर में इसका एलशियम नहीं ले रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, वी हैव, मैं यहाँ करता हूँ तो इसको ठीक है, वी हैव ए इक्वल 1, बी इक्वल 1 एंड सी इक्वल -1 अपॉन रूट 3। देखो बेटा ये बनेगा नहीं बनेगा, ए इक्वल 1, बी इक्वल 1 एंड सी इक्वल में -1 अपॉन रूट 3। अब इसका मैं सेकेंड पार्ट करता हूँ बेटा, देखो सेकेंड कैसे करेंगे। अब इसी पार्ट का अगर हम एलिशियम ले ले तो बेटे क्या बनेगा इसका एलिशियम, यहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास अपॉन में 1 है, इसका आप एलिशियम बताओ, हमारे पास में रूट 3 आया कि नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास तो कंप्लीट 1 एंड स्क्वायर रूट 3 का एलिशियम हो चुका है, स्क्वायर रूट 3, इसको करो सॉल्व, क्या बनेगा भाई, स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 3y माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए 0 बनेगा नहीं होगा। अब आपने यहाँ इसका करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, बेटे करो सोल्व शाबाश, इसको कैसे बनोगे आप बताइए मुझे, वही बात करनी है, इसके अपॉन में 1 है, इनके आपस में आप 1 को मल्टीप्लाई कर दो इस साइड में, और रूट 3 को मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, 0 से कर दो बेटे, करना शाबाश, क्या बनेगा, अंडर रूट 3x प्लस में रूट 3y माइनस 1 इक्वल में 0। तो मुझे बताओ बेटे तुम्हारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या आई, वी हैव बेटे ए इक्वल में रूट 3, बी इक्वल में रूट 3 एंड बेटे सी हमारे पास क्या हुआ थी, माइनस 1 हुआ नहीं हुआ, ए की वैल्यू आ चुकी है बेटे अंडर रूट 3, बी आ चुका है बेटे हमारे पास माइनस रूट 3, सॉरी बी इक्वल आ चुका है हमारे पास रूट 3 एंड हमारे पास सी क्या है, माइनस का 1। ठीक है बेटे, ये हमारे पास इसका सेकेंड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट है। उसके बाद बेटा मैं सोल्व करूंगा इसका एट पार्ट। बेटे सोल्व कैसे करेंगे एट पार्ट को, हम एट पार्ट दे रखा हमें स्क्वायर रूट 2 इंटू है एक्स माइनस 1 प्लस में 3y इक्वल दे रखा बेटा आपको 5। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, आपको पहले क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट 2 जो कि x माइनस 1 के रूट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है ना, पहले इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, तो बताइए हमारे पास क्या होगा शाबाश, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू में x माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस प्लस में 3y। बेटे 5 को मैं ले जाता हूँ राइट साइड लेफ्ट में, बताइए -5 = 0 हुआ नहीं हुआ,
अब आप यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की टर्म, वाई की टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म आपस में बेटा इकट्ठी कर लें आप, तो बताओ हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट टू एक्स प्लस में थ्री वाई माइनस में रूट टू और माइनस में फाइव इक्वल में क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हुआ नहीं हुआ। तो बेटा इक्वेशन आपका सोल्व हो चुका है ये इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के अंदर। तो बेटे हमारे पास ए क्या हो जाएगा अंडर रूट टू, बी क्या होगा हमारे पास में थ्री, बताओ हमारे पास में सी क्या होगा माइनस अंडर रूट टू माइनस में फाइव। समझे बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आई है ए बी और सी की, ये इसका बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का एथ पार्ट था। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो थर्ड के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमें इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो था ना आपके पास, उसके अंदर इक्वेशन बनी बनाई दे रखी थी, आपने केवल बस लेफ्ट और राइट को सोल्व किया है। बट बेटे अगला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके हमारे पास जो सिक्स पार्ट अवेलेबल है, वहाँ हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ वेरिएबल जो भी आप अपने इच्छा से मानते हैं एक्स वाई यू वी एटेक्स्ट्रा, वो आप अज्यूम कर सकते हैं। बेटे पहला क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटे, क्या कहता है देखो पढ़िए आप सवाल। ए मैन इज थ्राइज एज ओल्ड एज इज ए सन, एक मैन है, कोई पर्सन है, वो अपने सन की जो उसकी एज है उससे थ्राइस है, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप एज मानेंगे मैन की एंड उसके सन की, तो हम यहाँ कर रहे हैं लेट एज ऑफ मैन इक्वल में एक्स ईयर, लेट एज ऑफ सन इक्वल में वाई ईयर। अब मैं बेटे यहाँ कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे बेटा वो दे रखा है कि एक्स इक्वल में हमें ये मैन, देखो ये हमारे पास लेफ्ट साइड है फादर की एज, मैन की एज है, और राइट साइड हमारे पास बेटा क्या है सन की एज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, वो कहता है कि मैन की एज जो है, फादर की एज जो है, सन की एज की बताओ थ्राइस है नहीं है, तो बताइए यहाँ पे आपके पास लार्जर कौन हुआ, बड़ा कौन है, फादर बड़ा होगा, तो सन की एज को हम किसे क्या करेंगे, हम यहाँ कर देंगे थ्री से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा बेटे एक्स माइनस में थ्री वाई इक्वल क्या हो जाएगा जीरो। ये बेटे इस क्वेश्चन की ये अल्जेब्रिकली इक्वेशन बन चुकी है कि ए मैन इज ए थ्राइस एज ओल्ड एज इज ए सन, ठीक है। ये क्वेश्चन बस छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमने सोल्व कर लिया है, एज ऑफ मैन मानी, एज ऑफ सन ली हमने अजूम की, अगर क्वेश्चन एक्स इक्वल में थ्री इंटू वाई दैट इज ए मैन एज इज ए थ्राइस दी एज ऑफ इज ए सन। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, थर्ड क्वेश्चन का बेटे सेकंड पार्ट देखें आप, सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है आपसे ये, The पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, ये कहता है बेटे पैरामीटर है हमारे पास, तो हमारे पास ये सामने जो रखा है ना बोर्ड लगा हुआ है सामने आपके स्क्रीन के सामने, ये बेटा एग्जाम्पल किसका, ये एग्जाम्पल रेक्टेंगल का है नहीं है, तो पहले आप ये देखो कि रेक्टेंगल की पैरामीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेटे 2 × L + b। तो आपने पहले यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को अज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल में एक्स यूनिट है, ठीक है बेटे सेंटीमीटर की मैंने पढ़ी थी, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स सेंटीमीटर, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल में वाई सेंटीमीटर। अब मैं करूंगा बेटा यहाँ पे पैरामीटर,
पैरामीटरों पे रेक्टेंगल, उसका उत्तर बेटे फॉर्मूला उसका होता है 2 इनटू में एल प्लस में बी, दैट इज 2 इनटू बत्ती हमारे पास एक्स प्लस वाई होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट आप यहाँ करें कि बट पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल बेटे क्या होगा, बेटे हमें 36 सेंटीमीटर गिवन है ये, ठीक है ना, ये बेटे हमें गिवन दे रखा है। अब आप यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल में 36, ठीक है बेटे। x प्लस वाई के देखो इंटू में 2 है ना, इस 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड लिख के जाऊंगा तो बताइए ये डिवाइड में होगा या नहीं होगा, सो वी गेट x प्लस वाई इक्वल में 36 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करो 2 21 एंड 2 18 जा, सो वी गेट x प्लस वाई इक्वल में 18, ठीक है बेटे ये सीख हो चुका है। ज़्यादा सोल्व करना है आपने तो सोल्व करें यहाँ पे x प्लस वाई माइनस में 18 इक्वल में 0, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल में 18 या x प्लस वाई माइनस में 18 इक्वल में 0, ये बेटे इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था, समझ पाए आप। इसका थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपको थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरह सोल्व करना है, आप सोल्व करना, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए तो आप मेरे से कंसल्ट करना, डाउट में भेजना मुझे। ये एज का क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन आप इटसेल्फ बेटे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसका बेटे फोर्थ पार्ट देखें, इसमें कहता है बेटे कि देर आर टू नंबर्स m एंड n सच दैट 3 टाइम m इज 10 मोर देन n, 3 टाइम m इज 10 मोर देन n, ये कहता है बेटे मुझे, ठीक है। टू नंबर दे रखे थे, हाँ जूम करेंगे हम, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल में m दे रखा बेटे यहाँ पे हमें m, लेट सेकेंड नंबर इक्वल में n, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे हमें क्या दे रखा, हमें कह रहा है m इक्वल मैंने पहले n माना, देखो ये कहता है कि m का 3 टाइम, ठीक है m का 3 टाइम, ये बताइए अपने पास में n से 10 मोर है नहीं है, तो हम करेंगे m का 3 टाइम इक्वल किसके है, n से 10 मोर। अब बेटे इनको आप राइट साइड से और लेफ्ट साइड में टर्न कर लें, हमें मिलेगा 3m माइनस में n माइनस 10 इक्वल में 0, समझे बेटा। ये कहता है कि फर्स्ट नंबर जो है m उसका थ्राइस, सेकंड नंबर के 10 उसमें अगर आप ऐड कर देना तो उससे वो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से 10 मोर है, फर्स्ट नंबर का थ्राइस सेकंड नंबर से 10 मोर है, तो 3m इक्वल में n प्लस 10। अब बेटे इसको आपने राइट और लेफ्ट को सोल्व कर लेना है, ये कोई हार्ड काम नहीं है, ओके। उसके बाद बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है, देखो वो क्या है, फिफ्थ पार्ट है बेटे इसमें, इफ वन इज एडेड टू ईच ऑफ द टू नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स 1:2, हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, यदि हम वहाँ पे एक को जोड़ते हैं, एक को यदि हम वहाँ ऐड करते हैं, उन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है। हमें नंबर अज्यूम करते हैं, पहले हम लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स, लेट सेकेंड नंबर इक्वल में वाई, ठीक है बेटे। देन आप यहाँ करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे, वो कहता है फर्स्ट नंबर में आप एक वन ऐड करें तो वी गेट एक्स प्लस में 1, सेकेंड नंबर में आप वन ऐड करें उनका रेशियो लीजिए आप, तो देखो ये बनेगा ना वाई प्लस वन इक्वल क्या हो जाएगा, बताइए ये 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल में 1/2, ठीक है।
अब आपने इसकी करनी है आपस में बेटे क्रॉस से मल्टीप्लाई, यहाँ करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, शाबाश कीजिए सॉल्व। ऐसे करना है आपने, यहाँ हो जाएगा टू इंटू में एक्स प्लस वन इक्वल में वाई प्लस में, करो सॉल्व टू एक्स प्लस में टू इक्वल में वाई प्लस में वन, वी गेट टू एक्स माइनस वाई प्लस में टू माइनस में वन इक्वल जीरो, हमें बताइए क्या मिलेगा भाई, वी गेट टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल में जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आ गया आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करें। सो फर्स्ट नंबर इज एक्स अज्यूम किया, सेकंड नंबर इज वाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में आपने एक ऐड किया, सेकंड नंबर में आपने एक ऐड किया, दोनों का आपने लिया रेशो, देन दिस रेशो बिकम्स वन अपॉन टू, देन आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल में वाई प्लस वन, सो टू एक्स प्लस टू इक्वल वाई प्लस वन। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, वाई प्लस वन को राइट साइड से लेफ्ट साइड आपने ले आना है और इनको आप सोल्व करें। ठीक है बेटे, अब बेटे इसका एक लास्ट पार्ट बचता है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का लास्ट फिफ्थ पार्ट करें, सिक्स्थ पार्ट करें बेटे, क्या है देखो, वन मैन सेज दैट, वन सेज दैट गिव मी टेन, आई सेल बी सिक्स टाइम एज रिच एज यू, यदि आप मुझे टेन देंगे, टेन रुपए मान लें आप, टेन संख्या मान ली, यदि आप हमें टेन देंगे देन आई विल बी सिक्स टाइम एज एज रिच एज यू। ठीक है, हम यहां करते हैं, लेट फर्स्ट मैन हैव, लेट फर्स्ट मैन हैव इक्वल में एक्स, लेट सेकंड मैन हैव इक्वल वाई, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा बेटे हमें, ये कहता है मैंने पहले एक्स इक्वल वाई रखा, क्वेश्चन को बनाना सीखिए, एक्स इक्वल वाई मैंने रखा, पहला कहता है फर्स्ट मैन कह रहा है गिव मी टेन, सेकंड पहला मैन सेकंड से कहता है गिव मी टेन, अगर पहले वाला सेकंड से लेगा तो बताइए आपके पास मेरे फर्स्ट वाले के पास टेन ऐड होगा या नहीं होगा, तो बताइए बैलेंस करने के लिए हमने सेकंड में से टेन माइनस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले से टेन लिया है, उधार कुछ भी नंबर है रुपए है जो भी है उसके पास कोई आइटम है, सेकंड वाले के पास बेटा टेन कम हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है आई सेल बी सिक्स टाइम एज रिच एज ए यू, फर्स्ट वाला है बेटे वो तो काफी रिच है ही पहले से ही, अगर उसे वो टेन एक्स्ट्रा ले लेगा तो सेकंड वाले से वो कितना हो जाएगा, वो उसे सिक्स टाइम बेटे रिच हो जाएगा, तो हमने इसको सेकंड वाले को सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, अब ये आपने करना है सोल्व, सो वी गेट एक्स प्लस टेन इक्वल सिक्स वाई माइनस में सिक्सटी, करो सोल्व बेटे शाबाश, सिक्स एक्स प्लस टेन माइनस में सिक्स वाई माइनस में सिक्सटी इक्वल में जीरो। ओके, क्या मिला हमें, एक्स माइनस में सिक्स वाई टेन, टेन टेन कितना बनेगा हमारे पास, सिक्स टेन एंड सेवेंटी कितना होता है बेटे इसमें सेवेंटी, सो वी हैव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सेवेंटी इक्वल जीरो। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट था आपके बेटे, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, यह आपने अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है, जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपने समझ के सॉल्व करने, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बेटे।